मोदी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही महामना स्वतंत्रता सेनानी बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न देने का फैसला लिया। मालवीय जी को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। 30 तारीख को राष्ट्रपति भवन में उनके परिवार को ये सम्मान सौंपा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 30 मार्च को राष्ट्रपति भवन में मालवीय जी के परिवार को देश का सबसे बड़ा सम्मान प्रदान किया जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की खबर पर उनके पोते जस्टिस गिरधर मालवीय ने खुशी जाहिर की है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। मालवीय जी को भारत रत्न देना एक तरह से पूरे भारत का सम्मान है, क्योंकि मालवीय जी हमेशा अजात शत्रु की तरह पूरे राजनीति में रहे, पूरे समाज में रहे। उनका मतांतर भले कभी किसी से हुआ हो, लेकिन उनका विरोध कभी किसी से नहीं हुआ। उनका सम्मान सब लोग करते थे। देश की आजादी की लड़ाई में पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान अहम रहा। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित मदन मोहन का सबसे अहम योगदान था। देश में स्काउटिंग की स्थापना करने वालों में मदन मोहन मालवीय भी एक थे। वो दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1860 के बाद वो पैदा हो गए और 1948 तक पूरा राष्ट्र आंदोलन उनके साथ साथ चलता है। उनकी जीवनी के साथ उनका राष्ट्र आंदोलन चलता है, तो भारत की राष्ट्र आंदोलन के पूरे पूरे वो उसके वो अम्ब्रेला जैसे थे। सबसे बड़ा योगदान मालवीय जी का एजुकेशन के लिए रहा। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण हो, ये एक जो मालवीय जी ने पराधीन भारत के उस परिदृश्य में लोगों में जिस अलग को, जिस चेतना को जगाने का प्रयास किया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के शुरुआती नेताओं में थे। इसके अलावा हरिद्वार में ऋषिकुल विद्यापीठ की भी उन्होंने स्थापना की थी। 1946 में 85 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कल भारत रत्न दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया है। काम है और ये हमारा दायित्व भी है कि के विकास से संबंधित समस्याओं से केंद्र को हम कराएं और बात रखें और के साथ और आंकड़ों के साथ हमने सारी बातों को रख दिया। जनता परिवार के मर्जर का लगता मामला अटक जनवरी में ये बात अटका नहीं है, अटका नहीं है। अब हम आए हैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी से भी मिलेंगे।